हाय गाइस, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रॉड बॉर्डर साइड रिपिंग ट्यूटोरियल। एंड साथ ही आज की वीडियो में शेयर करूँगी अपना फेवरेट स्टाइल हिप प्लीट्स बनाने का, जो कि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं इतने सारे अपने चैनल पे हिप प्लीट्स बनाने के ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ, उसमें से मेरा फेवरेट तरीका कौन सा है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो मैं साड़ी की डिटेल्स भी आपको दे देती हूँ। ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है, इसका प्राइस 500 है। एंड साड़ी की मटेरियल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। एंड ये जो आप ब्लू पीस देख रहे हो, ये इसका ब्लाउज फैब्रिक है। तो चलिए गाइस, अभी हम अपनी साड़ी ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी साड़ी में एक राउंड लगाते हैं। राउंड हम जो लगाएंगे एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से, टाइट फिटिंग वाला राउंड लगाएंगे। थोड़ा सा लूज़ हो जाता है बाद में, इसलिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट ही राउंड लगाएं। एंड गाइस, अपनी लेंथ को नीचे से जरूर मेज़र करें, उसके बाद ही आप अपनी साड़ी में राउंड लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि गाइस अगर हमारी साड़ी नीचे से ऊपर नीचे होगी तो हमारा लुक पूरा ख़राब लगेगा। इसलिए आप अपनी साड़ी की लेंथ को सबसे पहले मेज़र करें, उसके बाद ही साड़ी को इस तरीके से ऊपर पेटीकोट में टक करें। राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पल्लू पे। पल्लू बनाने के लिए हम देखिए सबसे पहले अपनी साड़ी का एक मेजरमेंट लेंगे। जितनी साड़ी हमें लोअर फ्रंट प्लीट्स के लिए बनानी है उन्हें इस तरीके से छोड़ के पीछे से हम अपने पल्लू को घुमा के फ्रंट में लेके आएंगे। इस तरीके से आज मैं जो आपके साथ शोल्डर प्लीट्स बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड आसान होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से हम अपने पल्लू को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर अभी हम अपनी फाइनल प्लीट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर पल्लू की एक लेंथ का मेजरमेंट लेना है कि हमें अपने शोल्डर पर रख के एक देखना है कि हमें पल्लू लेंथ कितनी चाहिए। इसलिए सिर्फ मैं अपने पल्लू को इकट्ठा करके अपने शोल्डर पर रख के देखूंगी मुझे पल्लू लेंथ कितनी चाहिए। जब आपकी पल्लू लेंथ निकल के आ जाए अपने कंफर्ट के हिसाब से, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको एक स्टूल लेना है। मैंने यहाँ पे स्टूल की मदद नहीं ली है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे स्टूल की मदद ज़रूर लें। उसके बाद देखिए अपनी थाइस पे इस तरीके से सारी प्लीट्स को रखेंगे, जहाँ हमने पल्लू लेंथ मेज़र किया था उस पोर्शन को रखेंगे। एंड इस तरीके से अपनी सारी शोल्डर प्लीट्स को अरेंज करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इनका इस तरीके से अगर आप प्लीट्स बनाओगे ना तो आपकी प्लीट्स एकदम सेम साइज़ की निकल के आएंगी। एंड कोई भी प्लीट छोटी बड़ी नहीं बनेगी, तो आपकी शोल्डर पर फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है। तो अब देखिए अभी मैंने शोल्डर प्लीट्स अपनी बना ली हैं, अभी मेरी जो पल्लू लेंथ है उसे भी इस तरीके से थोड़ा सा हम सेट कर देंगे ताकि हमारी जो पल्लू लटकेगा तो वो एक मिसमैनेज जैसा लुक ना लगे, एकदम फिनिशिंग से पल्लू की लेंथ निकल के आए। इसलिए हम थोड़ा सा नीचे तक अपने पल्लू को सेट करेंगे, उसके बाद सारी प्लीट्स को अपने शोल्डर पर रख के यहाँ पे पिन लगा लेंगे। शोल्डर पर पिन लगाने के बाद मैं इस तरीके से अपने पल्लू लेंथ को एक बार फिर से अरेंज कर रही हूँ ताकि एकदम अच्छी सी फिनिशिंग निकल के आए मेरी पल्लू लेंथ में भी। अगर आपको सर पे पल्लू रखना है तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका पल्लू ऐसे ही हैंग रहेगा तो आपको इस तरीके से ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स अरेंज कर रही हूँ। एंड गाइस, आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपकी जो प्लीट्स हैं राइट साइड से थोड़ा सा फूली फूली दिखती हैं, तो उसको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्टेप पे ध्यान देना है कि आप जब अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स अरेंज करते हो उन्हें इतना नीचे तक अरेंज करना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हो आप, आपको एग्जैक्ट समझ में आया आपको अपर फ्रंट प्लीट्स कहाँ तक अरेंज करनी है, मैं उसके लिए एक एरो भी यहाँ पर लगा दूंगी ताकि आप ईजिली समझ सको। उसके बाद देखिए हम अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स में फिटिंग देते हुए आ जाते हैं अपनी कमर फिटिंग पे। तो मैं हमेशा इसी तरीके से कमर फिटिंग बनाती हूँ, मैं बस अपनी साड़ी को कमर पे इस तरीके से तिरछा रखती हूँ और यहाँ पे एक पिन लगा लेती हूँ। तो अभी ये मेरी कमर फिटिंग नहीं बनी है, पर इससे एक मेजरमेंट हो जाता है, यहाँ तक हमें अपनी लोअर प्लीट्स बनानी है। अब इसके बाद हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाते हैं। लोअर प्लीट्स बनाते वक्त आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके से आपको हर प्लीट्स बनाते वक्त झटकनी जरूर है, इससे आपकी प्लीट्स नीचे तक एक अच्छी सी डायरेक्शन पकड़ लेती हैं, तो आपकी लोअर प्लीट्स कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, आपको दोबारा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा ये स्टेप जरूर करना है, खासकर अगर आपकी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी है तो। अभी देखिए कमर फिटिंग में जो प्लीट्स बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। देखिए जो हमने लोअर प्लीट्स बनाई थी, जब हम उन्हें ऊपर की तरफ टक करेंगे तो हमारी जो हिप प्लीट्स हैं वो बन के रेडी हो जाती हैं। मतलब इस तरीके से अगर मैं हिप प्लीट्स बनाती हूँ ना तो मेरी हिप प्लीट्स ज़्यादा लंबे समय तक सिक्योर रहती हैं। अगर जैसे कि मुझे 5-6 घंटे के लिए साड़ी पहननी है तो मैं हमेशा इसी तरीके से हिप प्लीट्स बनाती हूँ, बिकॉज इस तरीके से जो हिप प्लीट्स निकल के आती हैं वो हम आर्टिफिशियल नहीं डालते, ये हमारे हिप के अकॉर्डिंग हमारे फिगर के अकॉर्डिंग अपने आप निकल के आती हैं। तो इसलिए ये प्लीट्स काफ़ी समय तक एज इट इज़ सेफ रहती हैं, सिक्योर रहती हैं, तो मैं हमेशा इसी तरीके से प्लीट्स बनाती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती एंड इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से प्लीट्स बन जाती हैं। यही है मेरा फेवरेट तरीका जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था
तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब मैं अपनी लोअर प्लीट्स अरेंज करूँगी। तो लोअर प्लीट्स अरेंज करने के लिए देखिए, इस तरीके से सारी प्लीट्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, नीचे से सारी प्लीट्स को फिर से अपनी जगह एक बार फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि गाइस ये चौड़े बॉर्डर है तो इसमें बॉर्डर को थोड़ा सा बिठाना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हो गाइस, हमारी लोअर प्लीट्स कितनी प्यारी निकल के आई हैं। अगर आप बॉर्डर वाली साड़ी को इस तरीके से नीचे से भी एक बार अरेंज कर देते हो सारी प्लीट्स को, तो आपकी प्लीट्स एज इट इज़ अपनी जगह सेट रहती हैं। पूरा दिन अगर आप साड़ी पहनते हो तो पूरा दिन ये प्लीट्स इसी फिनिशिंग में रहेंगी। तो अभी हम अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स अरेंज करते हैं। अपर फ्रंट प्लीट्स अरेंज करने के लिए देखिए इस तरीके, सबसे पहले जो भी हमारी साड़ी की प्लीट्स में फोल्ड है हम उसे पहले ओपन करेंगे। उसके बाद सारी प्लीट्स को इस तरीके से हाथ से अंदर की तरफ ओपन करेंगे, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा में फोल्ड ना हो। मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। इससे काफ़ी आसान से हो जाता है एंड सारी प्लीट्स का जो मेज़रमेंट है वो भी अच्छे से हो पाता है। अब उसके बाद देखिए, जो हमारी पहली प्लीट्स होती है अपर फ्रंट प्लीट्स की, उसे देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा सा टाइटली पुश करेंगे एंड यहाँ पर जहाँ मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। पिन भी आपको किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, पर उससे पहले मैं सारी प्लीट्स को अपनी जगह एडजस्ट कर रही हूँ ताकि कोई भी प्लीट्स हमारी ऐसी मिसमैनेज जैसी ना लगे इसके वजह से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस, अपर फ्रंट प्लीट्स में पिन लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पहले बॉर्डर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है एंड यहाँ पे ऊपर से ही पिन लगा लेनी है। यहाँ से आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल पाता है कि आपको पिन कहाँ पे लगानी है। अगर आप ब्लाउज के अंदर से पिन लगाते हो तो बहुत बार आगे की तरफ लग जाती है जो कि आपके लुक को ख़राब कर देती है। यहाँ पे पिन लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे पिन नहीं लगाओगे तो अपर फ्रंट प्लीट्स आपकी बार बार बिखर जाएंगी, इसलिए यहाँ पे पिन लगा के बस मैं अपनी साड़ी में थोड़ा सा फिनिशिंग देती हूँ एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हो हमारी साड़ी में परफेक्ट फिटिंग भी आई है एंड कोई भी प्लीट्स हमारी इधर उधर मिसमैनेज जैसी भी नहीं लग रही हैं और फाइनल लुक कितना प्यारा निकल गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते जाना गाइस एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब।